नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का DIY बनाने के लिए हम इस मास्क का यूज करेंगे। इसको मैंने कट करके जो इस तार लगा होता है मास्क में वो मैंने निकाल लिया है। इसे मैं शेप दे रही हूँ राउंड, और अच्छे से इसे हम गोल राउंड शेप दे देंगे। ये मजबूत बने इसके लिए इस राउंड शेप को जहाँ पे हमने जॉइंट किया है वहाँ पे मैं टेप से इसे मजबूती देने के लिए टेप लगा दूंगी। अब टेप लगने के बाद हमारा ये राउंड शेप मजबूत हो गया है। ये मेरे पास एक रेशमी धागा पड़ा हुआ था, इसे मैं इसके चारों ओर अच्छे से रैप कर दूंगी। इस धागे से धीरे धीरे आराम से करना है, क्योंकि ये जो मेरा तार है ये थोड़ा कम स्टेबल है। ये राउंड शेप से थोड़ा सा अपना शेप खो दे रहा था, इस वजह से मुझे आराम से करना पड़ा था। मैंने इसमें थोड़ा सा गम लगाया है, ये फैब्रिक गम फैब्रिकोल है, फैब्रिक वाला। इसमें लगाते हुए मैंने इसको धीरे धीरे इसमें राउंड राउंड शेप दिया है। आप भी इसी तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं। ये राउंड शेप देते हैं, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा बचा, अब इसमें मैं दूसरा धागा ऐड कर दूंगी। दूसरा धागा ऐड करने के बाद मेरा ये राउंड शेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी जगह से मैंने धागे को ऐड करके इसे कंप्लीट कर दिया है, और यहीं से इस तार को मैं आगे की डिजाइन इसमें बनाऊंगी। मैं इसमें स्टार जैसी डिजाइन बना रही हूँ। ये देखिए, ट्रायंगल बनाने के बाद इसे डबल ट्रायंगल बना दिया और इसे स्टार जैसी डिजाइन दे दी है। इसी तरीके से आप भी इसे आराम से स्टार जैसी डिजाइन दे सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता, आराम से बन जाता है। मैंने इसे डबल लेयर कर दिया है, यानी कि एक एक स्टार की लाइनिंग में मैंने डबल कर दिए हैं। ये देखिए, हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये जो मास्क का जो बीच का कपड़ा होता है, इसे मैंने 3 टाइप फोल्ड करके ऊपर से लीफ का फैदर का रूप दिया है। इसे हम काट लेंगे और फैदर लुक में से काट लेंगे। ये देखिए, हमारा बनके तैयार हो गया। ये 3 फैदर लुक बनके तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम फैदर, जैसे फैदर में कटिंग होती है वैसे हम इसमें कट कर रहे हैं। ये देखिए हमारी फैदर कटिंग, क्योंकि मास्क का कपड़ा काफ़ी हल्का होता है और वो फैदर कट में बड़ा अच्छा लगता है, फैदर की लुक आती है उससे। ये देखिए, हमारा फैदर लुक बन बिल्कुल जैसे लगेगा कि ये फैदर है। अब इसी मास्क के ही मास्क की जो साइड होती है, इससे ही हम इसके आगे की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा कैमरे, ये देखिए, अब हमारे पास ये 3 फैदर में लगाने के 3 स्टेप्स बनके तैयार हो गए हैं। इसमें फैब्रिक ग्लू से पहले मैंने चिपकाया था, बट वो फिनिशिंग, वो उसको चिपकने में टाइम ले रहा था, तो मैंने इसको बाद में फैब्रिक बॉन्ड से चिपकाया और ये काफ़ी अच्छा चिपक आया था। ये देखिए, बिल्कुल फैदर लुक दे रहा है। अब इसमें मैं मोतियाँ डाल दूँगी। ये देखिए, पूरा बढ़िया एक फैदर लुक पूरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया हमारा। इसी तरीके से मैं बाकी 3 बना लूँगी। अब जो हमने ये स्टार बनाया था, इसमें मैंने इसको एक एक करके लगा दिया है। ये देखिए, हमारा छोटा सा ड्रीम कैचर तैयार है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट दीजिए।